ये फेमस इसलिए है कि यहाँ के जो है ना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। मैं बह जावांगी। आज हम फिर जा रहे हैं जनाब, दोबारा जा रहे हैं, आप इंतजार करते हैं। चलो किसानी आमदे नहीं या कोई नहीं आंदे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो आज की मेरी ये लुक माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर कर देना, क्योंकि खुद को भी मैं सामने मिरर में देख रही हूँ और मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, और यहाँ कैमरे में मुझे नहीं पता कैसी लग रही है, आप लोग बताइएगा। मैंने कहा अच्छी तरह जरा देख लूँ, तो जल्दी जल्दी मैं हो गई रेडी। जैसे कि पिछले कल व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं जाहिर कोर्ट गए थे, ठीक है, और आज फिर है नेक्स्ट डे भी, तो देखते हैं कि आज क्या होता है। आज फिर हम जा रहे हैं और आज फाइनली, मतलब आज फाइनल होगा। होता है ऐसे, मतलब एक दो चार डेटें होती हैं, तो पहले जाहिद ही जा रहा था, दो तीन डेटों में गया था, मैं नहीं गई थी, मेरे को तबीयत ठीक नहीं थी, तो अब जैसे ही मुझे बेटर लगा तो मैं भी गई, और आज फिर मैं जा रही हूँ। आज मैं ये रेडी, ये कोट शर्ट पहन के, और अंदर मैंने ये अपना वो ना कल वाला स्कार्फ रख लिया, मगर मैंने कहा चलो इसकी जरूरत भी पड़ सकती, होना चाहिए, वैसे तो कोट के साथ सब कवर हो गया। अच्छा, ये एक बार मैं गई थी कश्मीर, तब मैंने ये कोट पहना हुआ था, तो उस वक्त मुझे किसी का कॉमेंट्स आया था, चोई साहब का भी ऐसा ही कोट पहने, शायद किसी ने देखा था उनको, तो ये मैं बता दूं कि मेरे और चोई साहब के दोनों के एक जैसा कोट था, और हमारे बहुत सारी चीजें ऐसी सेम एक जैसी हैं, कोट कुछ कपड़े भी हमारे एक जैसे हैं, जो कि हम पहले पहन के खत्म भी कर चुके हैं। एक ड्रेस अभी भी मेरे पास है जो कि मेरा और चोई साहब का सेम एक जैसा है, वाइट शलवार, और उनकी भी उस तरह का ऊपर उनका कुर्ता है, और मेरी फ्रॉक है, किसी टाइम मैं वो भी निकालूंगी पहनूंगी, आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। और कोट मेरा चोई साहब कहते, मेरा कोट चोई साहब का कोट मुझे किधर आता, मेरा तो बाजू नहीं उसमें घुसना। वो भाई स्मार्ट बॉय है, मैं थोड़ी हेल्दी शेल्दी मोटी, वो मोटी मोटी, ये देखे ना जरा, ठीक है, तो मैंने अपना पहना है, उन्होंने अपना पहना था, और इसमें थोड़ी सी मेरी तो लुक की चेंज होगी, वाह जी वाह, क्या पर्सनैलिटी लग रही है, तो देखते हैं कि आज क्या होता है। अच्छा, मफलर ऐसे मैंने गुजारा है, और यहाँ पर ना इधर मैंने रख लिया सीधा, ये जा रहा है, ये देखें यहाँ पर, तो बस जी अभी जो है जाहिद को मैंने कहा मुझे पिक कर ले, क्योंकि आज जो है ना असद को जाना है कहीं, मैंने भी जाना है वापस आके, तो फिर मैंने जाहिद को कहा कि भी मुझे आप लोग साथ ले लो अपनी गाड़ी में, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, वो फोन सुन इधर ले बेटे जो मैंने लेके जाने, तो अभी मैं रेडी। चल पप्पू को मैं कहती हूँ जरा मेरी फुल लुक तो दिखाए आप सबको, तो उसके बाद जो है वो लोग आते ही होंगे मुझे लेने के लिए। तो भाई फुल लुक कुछ ऐसी है, ये देखें, एनजी आज जैसे खड़े होना है, तो यहाँ मेरी पॉकेट भी है, ये देखें, हाथ भी इनमें डाल सकती हूँ, अपने मोबाइल फोन भी इनमें डाल सकती हूँ, इसके अंदर कुछ है पप्पू, अंदर कुछ है, निकालो ये जब मैंने यूज की होगी पहले कहीं, तो मैंने इसी पॉकेट में यहाँ रख दी होगी, ये तो दो तीन साल में है, दो साल मैंने पहना ही नहीं, शायद दो साल पहले कब मैं कश्मीर गई थी मुझे याद भी नहीं, उस टाइम मैंने पहना था, तो कुछ ऐसे है, बड़ा प्यारा है कोट, साथ में मैंने पहन लिए है ब्लैक शूज, तो आप सामने बताना है कि मैं कैसी दिख रही थी। कोट मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, एक तो मेरे पास बहुत बढ़िया और बहुत वीवीआईपी कोट है, चले वो भी मैम लोग किसी टाइम, हाँ उस कोट की जो मेरी यूट्यूब की जो मेरी पिक्चर है ना, जो मेरी यूट्यूब के ऊपर पिक्चर लगी हुई है, उसमें वो कोट पहना हुआ, ठीक है, और वो कोट चोई साहब ने मेरी एनिवर्सरी पर मुझे गिफ्ट किया था दुबई में, जब दुबई में हमने एनिवर्सरी मनाई थी तब, तो अब मेरा है जब मैं जा रही हूँ ना, हम जा रहे हैं किसी स्नोफॉल वाले एरियाज में, तो मैं वो वाला लेके जाऊंगी, क्योंकि इधर नॉर्मल तो वो पहना नहीं जाता, क्योंकि इधर इतनी ज्यादा सर्दी नहीं होती कि वो वाला कोट यूज करें, लेकिन स्नोफॉल कहीं और ही, तो वहां पर आप जाए तो फिर वो कोट यूज करो, और वहां पे वो अच्छा भी लगता है, ब्लैक कलर का बहुत खूबसूरत है और बहुत हैवी है वो, उसका वजन ही मुझसे नहीं उठाया जाता सीधा, मैं बताऊं उस वक्त ले तो लिया, लेकिन अब जो है ना, मतलब इस एरिया में इस्लामाबाद में वो पहनने की जरूरत नहीं होती, मतलब जहाँ पे हैवी स्नोफॉल हो, बहुत ज्यादा सर्दी हो, वहां पहनने की जरूरत होती है। तो खैर अभी मैं रेडी स्टेडी हूँ, गो होने वाली हूँ, जैसे ही वो लोग आते हैं मुझे पिक करते हैं, चलते हैं फिर कोट, तो देखते हैं कि आज क्या होता है, आप सब दुआ कीजिए। अच्छा बैठ के बात करते हैं, नजदीक आ जाओ पप्पू साहब, आज तो मामी साहब भी बन गए हैं। अच्छा तो वहां जाएंगे, जो भी होगा आप सबके साथ आज शेयर करेंगे, और आज इंशाल्लाह गुड न्यूज आने वाला है, आज बहुत कुछ अच्छा होने वाला है हमारे लिए भी, और हमारे व्यूवर्स को काफी देर से इंतजार भी था, कहते थे क्या हुआ बताते नहीं, खैर हमने कहा कि ऐसे ही रोज रोज जो ना शोर डालने की जरूरत नहीं है, शोर वो लोग डालें जिनको इस चीज की जरूरत है, हम जब कोई कुछ फाइनल होगा तब भी बताएंगे, तो आज इंशाल्लाह हम आपके साथ
कुछ अच्छा शेयर करने वाले हैं। तो चले वो आते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। देखो जी आगे मुझे लेने के लिए आगे। आज तो मैंने अंदर से ही कैमरा उठा लिया, जैसे सच्ची मुच्ची के यूट्यूबर उठाते हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि हम भी सच्ची मुच्ची के यूट्यूबर बन गए हैं। चा वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हो? और सुनाओ? ठीक। चलो बैठो। ओ पाजी अस्सलाम वालेकुम। मैं आके बह जावांगी जे मैं इत्थे पूरी ना आई तो फिर जनाब दोबारा जा रहे हैं, इंतजार करते हैं। चलो किसानी आमदे नहीं, कोई नहीं आंदे। व्यूअर्स को पता ही है काम का स्टार्ट किए हुए, तो ऐसा उधर नहीं जा रहा जरूरी। तो मैंने ऐसा कहा कि तुम चले जाओ, मैं फ्री होके आती हूँ, तो भाई फिर मैं आती हूँ। ये काम जाना जरूरी था। तो अभी खैर हम लोग निकल गए सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी जा रहे हैं, देखते हैं फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। यहाँ पर हो गया जी जाहिर, गुंडों में फंस गया। ट्रैफिक में फंस गए हम लोग, थोड़ी ट्रैफिक से हम इतनी बड़ी ट्रैफिक से निकल आए, तो ये तो छोटी सी ट्रैफिक है, क्यों जाहिर इससे भी निकल जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी हम लोग हाईवे पे इंटर हो गए हैं, तो बस जाहिर की गाड़ी की जो आवाज है ना जरा कुछ जहाज जैसी है, बर्दाश्त करना। तो बस यार गरीब आदमी छोटी सी गरीब है भाई, कितना गरीब है, मैं जितने नाल वो गरीब नहीं हो सकता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, बस बस रास्ते जा रहे हैं हम लोग। पहुंच गए जी बिल्कुल, ये देखो कोर्ट में, तो अभी तक तो दरवाजा ही नहीं खुला, हम लोग जल्दी आ गए 8:30 बजे, वैसे 9 बजे की टाइमिंग है, कोई नहीं 10-15 मिनट बाद खुल जाएगा, फिर अंदर चलते हैं। अभी जो है ना यहाँ पे कर रहे हैं इंतजार, बस थोड़ी ही देर में जो ना ओपन होने वाला है, जैसे ओपन होता है चलते हैं अंदर, फिर आज आप लोगों को कोई गुड न्यूज और अच्छी अपडेट देंगे। ये देखो जी मैं जाहिद का बेटा, हम दोनों इधर पहुंच, सलाम करो जोर से करो, अस्सलाम वालेकुम। ये भी सुम्मी और जीम जैसा ही आता, हम सलाम करना नहीं आता जोर से, वो अभी पीछे फिर रहे जी, मैं और ये पहले ही गुजरा, मैं चल का के अंदर चल के जरा स्कूल से आराम से बैठते हैं। तो अभी जो है कोर्ट से होके हम लोग वापस निकल आए हैं, ठीक है, तो वापस निकल के कहाँ जा रहे हैं पहले वो बताते हैं, और उसके बाद यहाँ की अपडेट बताते हैं इंशाल्लाह। तो अभी जी हम लोग रास्ते में है, ठीक है, सबसे पहले जो है जैसे कि आप लोगों को पता है सुबह सुबह जब बंदा उठता है तो फिर ऐसे ही निकल आता है, हम लोगों की तो रूटीन ही कुछ और है, देर से सोना देर से उठना। तो पहले हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट वाली जगह पे, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के साथ काफी सारी बातें करेंगे। है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा, ये भी सही है। अभी सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं या तो फिर कमर्शियल जाएंगे या फिर जाएंगे हम करतारपुरा मोहल्ला, वहाँ क्यों, जो लोग पिंडी के रहने वाले उनको तो पता चल गया होगा कि वहाँ क्यों जा रहे हैं, और जिनको नहीं पता उनको इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम खुद बताएंगे इंशाल्लाह। हम आ गए जी बन्नी चौक, और बन्नी बल्कि बिल्कुल हम इस जगह पे आ गए, ये जो राइट साइड पे जा रहे हैं मोहल्ला करतारपुरा, ठीक है, अभी हम करतारपुरे मोहल्ले में जा रहे हैं। करतारपुरा मोहल्ला जो है वो काफी फेमस है पिंडी का, और फेमस किस लिए है ये आप लोगों को ना मैं वहाँ मौके पे बताती हूँ जाके। ये फेमस इसलिए है कि यहाँ के जो है ना नाश्ते और खाने पीने बहुत मजे के और बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें किसके पास जगह मिलती है, जगह तो वहाँ बैठते हैं, गाड़ी लगाने की भी जगह मिल जाए ना, यहाँ पर रश बहुत होता है लेकिन आज कोई नहीं है रश। अच्छा किसके पास जाना थी? बस इधर जो अच्छा अंकल होते हैं, नहीं निहारी वाला तो नहीं, दूसरे किसी के पास चलते हैं, क्योंकि इसने तो सना ने तो हलवा पूरी खानी है ना, तो दूसरा जो होगा ना निहारी वाले के पास तो सिर्फ निहारी होगी, तो जो दूसरा होगा उसके पास तो सब चीजें होंगी ना, तो उसके पास जाते हैं, तो देखते हैं कि आज हम क्या खाते हैं और आप लोगों को भी जरा दिखाते हैं, देखिएगा। और ये मोहल्ला और ये जगह और ये एरिया काफी रश वाला होता है, अभी भी घंटों में यहाँ पे रश हो जाता है, आप क्योंकि जगह छोटी है और रश ज्यादा है, इसलिए सना का दिल था हलवा पूड़ी खाने का, तो सना यहाँ से हलवा पूड़ी ले रही है, मशहूर है हलवा पूड़ी वाला, और मैं तो हलवा पूड़ी नहीं खा रही क्योंकि मुझे हलवा पूड़ी इतना पसंद नहीं है, इसके बाद जो है
हम किसी दूसरे नाश्ते वाले के पास जाएंगे जहाँ से मैं और ये बच्चे भी मेरे साथ रल गए। तुमने क्या खाना है? मुझे सालन खाना है। सालन खाना है और साथ में नान की हलवा पूरी। ये नान वाले भाई ये मेरे साथ मिल गए और एक की तो मेरे साथ ये छोटे वाले की तरह ब्लाज दोस्ती होगी। आपको मैं कैसी लगती हूँ? कितनी अच्छी लगती हूँ? आज से बताओ कितनी अच्छी? ये मुझे कहता है आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आप बेबो इसलिए मेरे साथ इतनी बातें की। कहता आपकी गाड़ी गोल्डन कलर की है, आप गाड़ी बहुत तेज चलाती। ये तो पूरी आइटम है जाहिर का बेटा। मेरी गाड़ी किस कलर की है? गोल्डन कलर की। अच्छा तो मैं गाड़ी स्लो स्लो चलाती हूँ ना। मैं आप तेज चलती हूँ, आपकी गाड़ी बहुत तेज की है। कितना आप तेज नहीं किया? मैंने कहा स्लो चलाती हूँ, ये क्या बोलता है? कहता नहीं आप तेज चलाती है। माशाल्लाह भी बोलता है। थत्थे बच्चे बच्चे जो ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो तोतले तोतले बोलते हैं बच्चे। माशाल्लाह। तो यहाँ पर जी ये है सना का नाश्ता। हलवा ये रहा, हलवा ये रहे, चने ये रही पूड़ियाँ। तो ये जो है इन्होंने तो खाने हैं नान चने। मैं भी नान चने ले रही हूँ। कौन सना? मैं तुम्हें हलवा पूरी पसंद है? हलवा पूरी का दिल है। चले ठीक है खाएं आप। तो मैंने ले लिए चने और नान। मैंने कहा पता है लाहौरी टेस्ट अगर इनके पास चनों का होगा तो वो टेस्ट करते हैं। ठीक है जैसे कि आप लोगों को पता ही मैं तो खाने पीने के पीछे दूर दूर तक दूर दूर पहुंच जाती हूँ। ठीक है यहाँ ततारपुर मोहल्ले में मैं बहुत आते रहे और बहुत आते हैं, लेकिन इसके पास हमें नीचे ही बैठने की जगह मिल गई थी तो हम यहाँ ही बैठ गए। यहाँ पर आ गया जी मेरा अंडा और चने और यहाँ पर आ गए तिलों वाले नान। और अभी जल्दी से मुझे अपना करना है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद मिलते हैं फाइनली। और हम यहाँ बैठे हुए काला निहारी वाले के बिल्कुल सामने। तो भाई बहुत मज़ा आया, नाश्ता बहुत मज़े का था और यहाँ के तो वैसे ही मशहूर है। आपको कैसा लगा हलवा पूड़ी सना? मुझे अच्छा लगा, जबरदस्त। आप बताओ जी नान चने वाले क्या मजा आ गया? पूड़ी आ रही है। इसने हलवा पूड़ी, आपने हलवा पूड़ी खाई है, मजा आया? और आपने? इसको मजा नहीं आ रहा। मजा इसको आ नहीं रहा, खा लिया इसने। मुझे आया भाई, मजे के थे नान चने। और अभी यहाँ से निकल रहे हम लोग। तो यहाँ पर भी रश के अलावा कुछ नहीं है, बस अब हम निकल जाए तो फिर पता चलेगा। अभी हम आ गए मरी रोड पे। आज तो बाहर जो है ना बादल बने हुए हैं, बिल्कुल धूप नहीं है, यानी आप जो है ना ज्यादा सर्दी होने का चांस है। जब बादल होंगे बारिश होगी तो एकदम सर्दी जो है ना बढ़ जाएगी। क्या कह रहे हो? हाँ तो भाई पहाड़ों पहाड़ों में पत्थरों पत्थरों पे स्नोफॉल हो रही है और हम लोग जो है बड़ी जल्दी स्नोफॉल देखने जाने वाले हैं। सना आप तो नहीं जा सकती ना? नहीं मैं नहीं जा। तुम्हारे पास अब टाइम नहीं है जाने का। चले नेक्स्ट टाइम कभी सही फिर आपको भी साथ लेके चलेंगे। ठीक है नेक्स्ट ईयर हाँ। चले जी इंशाल्लाह लेकर हम जाने वाले हैं। बस तीन चार दिन में हम लोग बिल्कुल जाने वाले हैं पक्के। जी इंशाल्लाह जरूर जरूर ब्लॉग में हम देख ही लेंगे। हाँ बिल्कुल, तो आप सब भी ब्लॉग में व्यूअर्स देखिएगा। अभी जी हम नाज सलमा रोड से गुजर रहे हैं। यहाँ पे टोटली फर्नीचर वाली मार्केट है। ये देखें बड़े खूबसूरत खूबसूरत आपको यहाँ से ये फर्नीचर मिलेंगे, बेड मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। ये देखें ये चनोटी बने हुए हैं। ये देखें ये तो एकदम गाड़ी को देख के भाग पड़ा है। ऐसे नहीं भागना चाहिए क्योंकि मशीनरी जो होती है ना, ये गाड़ी वगैरह मशीनरी होती है, ब्रेक फेल हो सकती है, कोई मसला मसाइल हो सकता है। जी जिसको फर्नीचर चाहिए वो इस बाजार में आ जाए। ठीक है यहाँ से आपको हर किस्म का जो है ना फर्नीचर मिलेगा, जैसा आप लेना चाहेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा जहाँ पे होगा। ये देखें ऑर्डर पर भी बनते हैं, बने बनाए भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ये देखें यहाँ पे तो पेटियां शेटियां भी पड़ी हुई है, सब कुछ आपको यहाँ से बड़ा ही आला किस्म का आपको यहाँ से जो ना फर्नीचर मिल सकता है, बहुत खूबसूरत। मैं भी अपना बेड इधर से लेके गई थी। ठीक है जी व्यूअर्स, घर आके जो ना मैं गई थी सो, अब जब सो के मैं उठी हूँ तो मैंने सोचा कि चलें व्यूअर्स को बताऊं भाई क्या सीन हुआ, क्या मामला था हुए कोर्ट में। तो सीन कुछ ऐसे था कि जब हम वहां गए
तो हमें सरप्राइज मिला आगे से। सरप्राइज ये था कि उन्होंने कहा कि जाहिद साहब जो है ना आज वो छुट्टी पर हैं। तो मैंने पहले जाहिद को बोला था कि मैं सैटरडे संडे मेरे ख्याल छुट्टी होती है, तो इन्होंने कहा कि नहीं। खैर उन्होंने डेट जो दी थी तो फिर जाना तो था ही, तो जब गए तो वहाँ पर छुट्टी थी। अब जो नेक्स्ट डेट है, अब नेक्स्ट डेट पर जो भी होगा तो वो फिर पता चलेगा। खैर हमने कहा भी हम तो खड़े हैं, हम तो आएंगे जो भी डेट हो, जब भी बुलाएं। भागते वो हैं जो गिल्टी होते हैं, जो लोग सही होते हैं वो कभी भी नहीं भागते। और वैसे भी जब आप एक आप सिटीज़न हो, पाकिस्तानी हो, हम यहाँ के शहरी हैं, तो हम तो जाएंगे। बंदा भागना चाहे भी तो वो नहीं भाग सकता, ठीक है। तो मेरा यही मशवरा है कि अगर कभी भी किसी के ऊपर कोई भी केस होता है, कहीं से भी नोटिस आता है, कहीं पर भी बुलाया जाता है, तो आपको जाना चाहिए। मतलब कानून को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ना कि उन लोगों को, वो आप लोगों को ढूंढते फिरे। मतलब ढूंढ तो लेते हैं, ऐसा नहीं कि ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कानून समझता है कि चलो टिल्ला छोड़ दो, जब कभी बंदा हाथ में आएगा तो पकड़ लेंगे, नहीं तो ना सही। तो मेरे ख्याल में पकड़ा फिर भी बंदा जाता है ये, ठीक है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं। क्योंकि अब तो पाकिस्तान में भी काफ़ी जदीद जो चीज़ें आ चुकी हैं, आपका आईडी कार्ड मारते हैं तो फौरन सब कुछ सामने आ जाता है कि आपके ऊपर केस कितने हैं, FIRें कितनी हैं, कौन कौन से थाने में कहाँ कहाँ किस किस केस में जो है आप मुलव्वस रहे हो। तो इंसान को भागना नहीं चाहिए, इंसान को वहाँ जाना चाहिए, अपनी वो हर चीज़ को फेस करना चाहिए, देखना चाहिए। इससे आपका तजर्बा भी बढ़ता है और आप कानून को भी समझते हो और आपको पता भी चलता है और आपकी कुछ गलतियाँ भी माफ़ हो जाती हैं, ठीक है, अगर कोई गलती कर रहा है तो। तो मैं इन लोगों को ये मशवरा दूंगी कि आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, आप लोग वहां आएं, वहां आके अपनी सफाई पेश करें कि हमने ये किया ये नहीं किया। मतलब केस क्यों चाह रहे हैं, इसी वजह से चाह रहे हैं कि जो पटारा ने अपने बनोई के साथ रिलेशनशिप चलाई उसकी वजह से केस चाह रहे हैं, उसी की वजह से लड़ाइयाँ हुई हैं। असल जो जड़ भी वो है इस काम की और उसका एंड भी वो है, तो शुरुआत और एंड उसी पर ही होना जाके, उसके बगैर कुछ भी नहीं होना। तो तब तक ये मामला चलते रहेंगे जब तक वो कोर्ट के कटहरे में आके खड़ा नहीं होंगे। तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, ना ही हम हटेंगे। मतलब चीज़ तो वही है, FIA में जाना या थाने में जाना या कोर्ट में जाना, तो वो ऑलरेडी हम लोग जा रहे हैं, तो क्यों ना वो लोग भी आए जिनकी वजह से ये सब शुरू हुआ था। तो इंशाल्लाह उनको हम लाएंगे, हमारी पूरी कोशिश है कि उन लोगों को हम लाएं और वहां खड़ा करें और वो बताएं, और आइंदा भी लोगों को पता चले, लोग नसीहत करें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ना कि ऐसे गंद ला के सोशल मीडिया पर डालें। मतलब साली बिनोई का रिलेशन ये तो जायज़ ही नहीं इस्लाम में, ये हराम है, हराम है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हम इसका कुछ ना कुछ करके ही वापस मुड़ेंगे, ऐसे नहीं मुड़ेंगे मैं और जाहिद। तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट डेट पर हम बताएंगे कि क्या होता है, कोर्ट कचहरी थाना हॉस्पिटल कहीं पे भी आप चले जाओ तो ऐसे ही होता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन एक टाइम आता है कि आप कामयाब हो जाते हो। तो ऐसे ही इंशाल्लाह हम भी होंगे। तो मुझे दें इजाज़त, आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे उसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सबको रिप्लाई भी किया, अगर किसी को नहीं कर सकी तो उसके लिए माजरत, जैसे कॉमेंट्स देखूँगी इंशाल्लाह कर दूँगी। तो मुझे दें इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।